हम तो सद्भावना नहीं देने पुनीत शर्मा। तेंदुए की खाल बेचने वाले तस्कर गिरोह के सदस्यों के मोबाइल खंगालने पर एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अब इसके आधार पर जांच को नई दिशा मिल गई है। व्हाट्सएप पर तस्करों की जानवरों के अंगों का सौदा और कीमत तय करने संबंधित चैटिंग है। अन्य राज्यों के तस्करों से भी इन आरोपितों के तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उधर सर्च टीम ने तेंदुए का दांत और गोली के दो खोल बरामद किए हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स ने 30 अक्टूबर को तेंदुए की खाल, नाखून सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के पास से 5 स्मार्टफोन और एक फीचर फोन जब्त किया गया है। मोबाइल की चैटिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। मोबाइल को खंगालने के लिए एक टीम लगी है जो व्हाट्सएप चैटिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। कई संदिग्ध लोगों से बातचीत में वन्य प्राणियों के अंगों की तस्वीरें भेजी गई हैं। उनकी कीमत तय करने को लेकर भी काफी चैटिंग मिली है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों से चैटिंग सामने आई है वे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के तस्कर बताए जा रहे हैं। अब इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गिरफ्तार तस्कर इंदर और भूरू को एसटीएफ ने मंगलवार तक रिमांड पर ले रखा था। पूछताछ में कुछ जानकारी मिलने के बाद टीम अलग अलग स्थानों पर रवाना हुई। सोमवार शाम टीम के सदस्यों को तेंदुए का दांत और गोली के खोल मिले हैं। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक दांत को फॉरेंसिक लैब में भेजकर जांच करवाई जाएगी ताकि पता लग सके कि खाल, नाखून और दांत एक ही तेंदुए के हैं या नहीं। सूत्रों के मुताबिक टीम तस्करों पर अन्य वन्य प्राणियों का शिकार साबित करने में लगी है। धार, अलीराजपुर और झाबुआ के जिन रसूखदारों से तस्करों की बातचीत हुई है अब उनकी तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि फिलहाल इन्हें प्रकरण में आरोपित नहीं बनाया गया है। इसे लेकर टीम पर काफी दबाव आ रहा है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.